अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, हाउ आर यू ऑल। यूनिट नंबर 1, रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम्स, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर एसएलओ नंबर 1.3 व्हिच इज अबाउट हैबिटेट। डू यू नो व्हाट इज हैबिटेट? यस, द लिविंग प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। When some organism live in their habitat, they have to interact in different with different organism in different ways. तो ecological relationships कैसे हो गए? The species in an ecosystem interact in different ways. These interactions may have positive, neutral or negative impacts on the species involved. ये interactions जो किसी habitat के दौरान रहते हुए organism को दूसरे organism में रहना पड़ता है, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है रिलेशनशिप, या फिर नेगेटिव, या फिर न्यूट्रल। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होगा? जब आप किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। नेगेटिव में फ़ायदा तो ले रहे हैं, साथ में नुकसान पहुंचा रहे हैं। और न्यूट्रल में ना फ़ायदा ना नुकसान, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं। तो इन हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं कितनी किस्म के हैं। एक तो हो गया प्रीडेटर एंड प्रे, सेकेंड वन इज़ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज़ पैरासिटिज्म। Now let's have a look what happened in predator and prey relationship. Animals eat either plants or animals. If they hunt for and eat other animals, they are called predators. Animals या पौधे खाएं या जानवरों को खाएं, अगर वो खुराक के लिए हंट करते हैं या शिकार करते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हंट करेंगे उनको हम कहेंगे predators. Predator मैंने शिकारी जानवर। द एनिमल्स दे हंट एंड किल इज कॉल्ड प्रे। जिस ऑर्गेनिज्म का या जिस एनिमल का सॉरी जिस एनिमल का वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं? वो प्रे बन जाते हैं, प्रीडेटर के प्रे या शिकार बन जाते हैं। प्रीडेटर्स आर शिकारी एंड प्रे आर शिकार। प्रीडेटर एंड प्रे इवॉल्व टुगेदर। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रीडेटर और प्रे इकट्ठे ही वहाँ पर अराइज होते हैं। द प्रे इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रीडेटर्स इन्वायरमेंट and the predator dies if it does not get food. Prey जो होता है वो predator की environment का एक हिस्सा होता है। अगर predator को prey नहीं मिलेगा तो predator जो है वो shortage of food की वजह से मर जाएगा। For example, a lion is a predator and other animals like herbivores are prey. Lion एक predator है जिसके तमाम organism जो कि herbivores हैं, जो पत्ते सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो उसके prey बन जाएंगे। अगर prey नहीं होगा तो predator मर जाएगा, क्योंकि predator जो वो पत्ते तो खा नहीं सकता, तो उसको अगर ख़ुराक नहीं मिलेगी या तो वहाँ से मूव कर जाएगा, या फिर वो अपनी शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो प्रीडेटर एंड प्रे जो होते हैं एक ही इन्वायरमेंट में इकट्ठे एराइज होते हैं, और प्रीडेटर जो है वो प्रे के बगैर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रे जो है वो तो डेफिनेटली खुराक खा सकते हैं, वो पौधे वगैरह पत्तों पर ज़िंदगी अपनी गुजार लेते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोसिस, सिम मीन्स विद एंड बायो मीन्स लाइफ, मतलब कि लाइफ के साथ जो रिलेशनशिप, उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस इज अ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म लिविंग क्लोजली टुगेदर विद सम फॉर्म ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इन्वॉल्व। सिम्बियोसिस इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो होता है, इसमें दो या इससे ज़्यादा जानदार जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस तरह से इकट्ठे रह रहे हैं? अपने खुराक की ज़रूरत पूरी करने के लिए। टू मेन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स आर, मतलब कि ज़िंदगी के साथ जो ज़िंदगी गुजारने की रिलेशनशिप्स हैं वो दो तरह के हैं, उनको हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एक तो है कमेंसलिज्म, दूसरा है म्यूचुअलिज्म। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है? इस रिलेशनशिप के अंदर कमेंसलिज्म इज एन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स फ्रॉम एन एसोसिएशन विद अनदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल द अदर ऑर्गेनिज्म रिसीव्स नो बेनिफिट बट इज नॉट हार्म्ड। कमेंसलिज्म अकर इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम एंड इज ऑल्सो कॉमन अमंग बैक्टीरियल स्पीशीज। अच्छा, क्या समझ आई इसकी? कमेंसलिज्म जो है एक ऐसा इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है, जबकि दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहा। जैसे कि अगर एक दरख्त के ऊपर एग्जांपल है, बर्ड लिविंग इन अ ट्री, वो कह रही है कमेंसलिज्म जो पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। अगर एक बर्ड जो है परिंदा दरख्त के ऊपर अपना घर बना लेता है, तो बर्ड को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दरख्त को कोई भी उसे नुकसान नहीं हो रहा ना। तो इसी तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कमेंसलिज्म। एक ऑर्गेनिज्म फ़ायदा उठा रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं दे रहा, तो उससे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कमेंसलिज्म हो गया।
म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? अ म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप इन इज व्हेन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वर्क टुगेदर, ईच बेनिफिटिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज़ के इकट्ठे काम करते हैं और हर एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स जो होती है बीज के ज़रिए। अ बी पोलिनेटेड अ फ्लावर, बी करती है फ्लावर को पोलिनेशन में ज्यादा तलीफ में मदद देती है। और बी कैन जो है मेक हनी, फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस। बी जो होती है जब पोलिनेशन होती है तो बी क्या कर रही होती है, अपना शहद बना रही होती है, और फ्लावर जो होता है उसको पोलिनेशन में हेल्प मिल रही होती है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही होती हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जो लाइफ के साथ रिलेशनशिप है वो कौन कौन से हो गए? कमेंसलिज्म, जिसमें एक फ़ायदा पहुँचा रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, और दूसरे रिलेशनशिप में म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, बर्ड जो है नेस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर, एंड साथ में बी है पोलिनेशन कर रही है, तो एक बर्ड वाली जो रिलेशनशिप होगी ये होगी कमेंसलिज्म और दूसरी जो है वो म्यूचुअलिज्म होगी। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। व्हाट हैपन इन पैरासिटिज्म? पैरासिटिज्म इज व्हेन वन स्पीशीज बेनिफिट्स फ्रॉम अ सेकेंड स्पीशीज दैट इज डिसएडवांटेज बट जनरली नॉट केयर। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से फ़ायदा ले रही है और बदले में क्या कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन उसको मतलब उसकी डेथ नहीं हो रही। जैसे हमने देखा प्रीडेटर एंड प्रे में क्या होता है, एक प्रीडेटर जो है प्रे को बिल्कुल ही मार देता है जान से, और यहाँ पे क्या होता है सिम्बियोसिस में कमेंसलिज्म में दोनों एकसे को अगर नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो फ़ायदा ले रहे हैं, तो नुकसान नहीं पहुँचा रहे या फिर दोनों एकसे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर होस्ट मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे फ़ायदा तो लेता है लेकिन उसको साथ साथ नुकसान पहुँचाता है, लेकिन उसको मारता नहीं है, मतलब उसकी जान जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल, अ टिक फीडिंग ऑन अ होस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म। द होस्ट नॉट डायरेक्टली किल्ड बाय द टिक विच बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, वाइल द होस्ट इज एडवर्सली इफेक्टेड एज इट फीड ऑन द होस्ट फूड। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म की, आप लाइसिस इन द ह्यूमन हेड्स की ले सकते हैं। टिक भी ऐसी एग्जाम्पल है जो ब्लड पी रहा है जानवर का और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा है, फ़ायदा तो ले रहा है उसको खून पी के, लेकिन ऑर्गेनिज्म वो उसके खून पीने की वजह से खून की ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है ब्लड पीने की वजह से। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, ह्यूमन के हेड में लाइसिस क्या होता है कि सर में जुएं पड़ जाती हैं, बच्चों के सर वक्त सर में ख़ारिश करते रहते हैं, उससे क्या होता है उनके सेहत पर असर पड़ता है, और फिर ये एक बुरा इफेक्ट भी पड़ रहा होता है कि सर आप उस दरमियान में बैठ के बच्चे जुएं खुजा रहे होते हैं। तो ये हो गए तमाम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, सबकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और डिफरेंस इनका पता होना चाहिए, प्रीडेटर एंड प्रे में क्या है, और कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म आपस में क्या इनके डिफरेंसेस हैं। साथ में आपने इनके क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम भी आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।